Are you able to listen my voice? Please write down yes. Are you able to listen me? Please write down yes. If you are able to listen me, then please write down yes. Hello. Yes, if you are able to listen me, then please write down yes in chat box. Hello. 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 If you are able to listen me, then please write down yes in chat box. Okay. Thank you. Okay. So guys, so today we are going to study very very important topic of English literature, and please listen, this is very very important topic that has brought a big change in England. द रेनेसा के ऊपर हम पढ़ेंगे, और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट हैज चेंज द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड. सो वी विल टॉक अबाउट इट, एंड देर आर द सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट विच यू शुड नो. सो गाइस, द रेनेसा एज रीबर्थ ऑफ लर्निंग. इंग्लैंड यदि इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है, या दुनिया में यदि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहता है, तो उसे लर्निंग करना पड़ेगी. इसका मतलब जिसकी लर्निंग जितनी बेहतर होगी, जिसकी लर्निंग जितनी अच्छी होगी, जितने बड़े स्तर की होगी, उसकी अर्निंग, या अर्निंग का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता है, चाहे सोशल स्टेटस की बात करें, चाहे ज्ञान की बात करें, या कोई सी भी जो है अर्निंग, वो वैल्यू की बात करें, जितनी ज़्यादा जिसकी लर्निंग होगी उतनी उसकी ज़्यादा अर्निंग होगी, उतना वो उतना ज्यादा जिंदगी में अर्न करेगा, प्राप्त करेगा. तो यदि ज्यादा अर्न करना है, तो पहले ज्यादा लर्न करो, और लर्न का मतलब केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं होता है, तो लर्निंग से अर्निंग होती है. जिसकी जितनी बेहतर लर्निंग है, उसकी उतनी बेहतर अर्निंग होगी. और इंग्लैंड का इतना तेजी से आगे बढ़ने का कारण था उसकी लर्निंग. तो इसे हम रीबर्थ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं. यहाँ पर फिर से लर्निंग के प्रति वो लोग जागरूक हो गए थे, लर्निंग के प्रति उत्साहित थे, और लर्निंग उन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कि उसका नतीजा रहा कि वो इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ, जो कि खुद कई बार कई देशों का गुलाम रहा, वो इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया. उसके पीछे केवल एक कारण था, लर्निंग. इसी कारण इतनी तेज़ी से उन लोगों ने इतने सारे डेवलपमेंट किए, इतने आविष्कार किए, और इस तरह के कार्य किया, क्योंकि वो लर्निंग में यकीन करते थे. आज भी जो बंदा लर्निंग में यकीन करता है, कुछ भी कर सकता है. तो इसे द रेनेसा को एज रीबर्थ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं. हम बात करते हैं, द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल. यहां इसका मतलब था रीबर्थ ऑफ लर्निंग. जो रेनेसा वर्ड है, ठीक है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, और ये एक फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये एक फ्रेंच वर्ड है. रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, मतलब ज्ञान का पुनर्जन्म. इसी को, इसके लिए अगला वर्ड और भी बताया गया है, रिवाइवल इन आर्ट एंड लिटरेचर. रिवाइवल किस में था? इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड
लिटरेचर आर्ट का संबंध क्या होता है, जैसे जो पेंटिंग वगैरह होती है वो आर्ट, और जो साहित्य होता है वो भी वैसे आर्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय आर्ट का मतलब खासतौर से पेंटिंग वगैरह मूर्ति वगैरह बनाना ये हुआ करता था, और साथ ही लिटरेचर, इन दोनों के क्षेत्र में जो इन लोगों ने लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की उसी का रिवाइवल या उसी का उसके उसका पुनर्जन्म था उन सारी चीज़ों का। तो द टर्म रेनेसा लिटरेरी मीन्स रीबर्थ आर रिवाइवल इन आर्ट एंड लिटरेचर, इट मीन द रीबर्थ आर रिवाइवल ऑफ ग्रीक, ध्यान रखिएगा वर्ड ग्रीक, ग्रीक ग्रीक मतलब मॉडल थे, आइडियल्स पीपल थे या उनके जो सिद्धांत थे वो आइडियल थे ग्रीक के, तो ग्रीक आर्ट लिटरेचर कल्चर एंड पैटर्न ऑफ लाइफ, मतलब ओवरऑल ग्रीक जो लोग ग्रीक जो करते थे, चाहे हम उनके साहित्य की बात करें, चाहे हम उनकी संस्कृति की बात करें, चाहे वहाँ के लोगों के जीवन शैली की बात करें, चाहे उनके हम आर्ट की बात करें, वो सारी चीज़ों का रीबर्थ हुआ था, उन सारी चीज़ों को फिर से पुनर्जागृत किया गया था, लेकिन ये पुनर्जागृत किया गया था इंग्लैंड में। तो अब इसके पहले और भी कुछ और देश में इसका पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगाना, उस चीज़ को फिर से पुनर्जीवित करना। तो इसी के ऊपर बात है कि जो ग्रीक जिन चीज़ों को फॉलो करते थे उसी आर्ट कल्चर वे ऑफ लाइफ और साथ ही साथ जो उनका मतलब साहित्य था उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना, ये रेनेसा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। विच हैड पार्शली आर लार्जली बीन डिस्ट्रॉयड बाय द रिपीटेड इन्वेजन ऑफ द टर्क्स, हुआ क्या था जो ग्रीक्स लोग थे इनके ऊपर टर्की के जो लोग हैं या टर्क्स हैं जो तुर्की वाले लोग हैं उन्होंने इस ग्रीक के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब ग्रीक के लोग बड़े ही आइडियल और एक बहुत ही सुसभ्य संस्कृत या बहुत ही संस्कारवान या बहुत अच्छे आइडियल एक आदर्श लोग थे और ये बड़े असभ्य लोग थे, बारबेरियन लोग थे जिनका जो मार काट इस तरह की थिंकिंग वाले लोग थे, इन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। जब इनके ऊपर अटैक होता है ग्रीक लोगों के ऊपर, द टक्स वर अ बारबेरियन ट्राइब, बहुत ही विध्वंसक लोग थे, हिंसक लोग थे, बारबेरियन ट्राइब हु नॉट ओनली प्लंडर्ड द वेल्थ ऑफ द ग्रीक्स, इन्होंने केवल इनके धन को ही नहीं लूटा, ये टर्कीज लोगों की एक विशेषता थी कि धन कोई नहीं, उस व्यक्ति के सारी जितनी भी चीज थी उन सारी चीजों को उन्होंने नष्ट करने में लगे थे, पूरा ग्रीक का जो भी बना हुआ था उन सारी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए थे, ये इनका मकसद था। तो बारबेरियन ट्राइब हु नॉट ओनली प्लंडर्ड द वेल्थ ऑफ द ग्रीक्स बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड देयर आर्ट लिटरेचर सेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में ये जो ग्रीक लोगों का जो पुराना कई सालों से एरिस्टोटल प्लेटो उनके भी जो पहले की जो चीज थी जो उनकी परंपराएं थी जो उनका जो माहौल था उन सबको नष्ट करने का काम करने लगे तुर्की के लोग टर्क्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लोगों ने देखा कि स्थिति बहुत ही असहनीय हो रही है और ये लोग इनको बुरी तरह से परेशान करने लगे, तो यहाँ के जो विद्वान लोग थे जिनको ये लोग परेशान कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, द ग्रीक आर्टिस्ट, प्लीज रिमेंबर द ग्रीक आर्टिस्ट स्कॉलर्स पोएट्स एंड फिलोसोफर्स फ्लेड फ्रॉम ग्रीक एंड कैरिड विद देम देयर ओन बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट टूगेदर विद दोज ऑफ देयर एंसेस्टर्स एंड फाउंड शेल्टर इन इटली, यहाँ से लोग भागे और ये पहुँच गए इटली में। तो जितने भी विद्वान लोग हुआ करते थे, जितने भी ज्ञानी लोग थे, जितने बुद्धिमान लोग थे, जितने भी कलाकार पेंटर वो सब थे, वो लोग यहाँ से अपने जो भी सामान साहित्य थे वो उनके पूर्वजों से लेकर अभी तक उनके पास था उन सारी चीज़ों को लेकर एक सुरक्षित जगह इटली में जाकर रहने लगे। तो यहाँ का जो ज्ञान था ग्रीक का, जितनी भी अच्छी चीज़ें वो सब चीज़ कहाँ पहुँच गई, इटली में, यहाँ के विद्वान लोग कहाँ पहुँच गए, इटली में। एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, जैसे इतने विद्वान ज्ञानी महान लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के लोगों में भी एक चेतना जागी, इनमें पुनर्जागरण शुरू हुआ, इनमें रिवाइवल होने लगा, रीबर्थ होने लगा, इन जो ज्ञान इनका था उससे ये लोग प्रभावित होने लगे, इटली के नेटिव पीपल। और इन इटली दे फाउंड अ वेरी फेवरेबल एटमोसफेयर फॉर द रिवाइवल एंड फर्दर एनरिचमेंट ऑफ देयर आर्ट एंड लिटरेचर, वहाँ इनको ज़बरदस्त एकदम फर्टाइल माहौल मिला जहाँ पर इनको विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे, और ये बिल्कुल खुशनुमा तरीके से वहाँ पर इटली में अच्छे से काम करने लगे, उसको डेवलप करने लगे। देयर फॉर दिस इवेंट में बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेनेसा, और यहाँ से
रेनेसा की शुरुआत होती है। इसीलिए इंग्लैंड में जो रेनेसा आया था वो बाद में आया था, इसके पहले सबसे पहले ग्रीक से कहा, सबसे पहले इटली में रेनेसा आया था, इसके बाद अब कहा था। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, द ग्रीक लर्निंग वॉज रिवाइव्ड बाय द स्कॉलर्स ऑफ द क्लासिक्स कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। जिन लोगों ने इसको रिवाइवल किया था वो ह्यूमनिस्ट कहलाते, मानवतावादी थे, जो मानवता को महत्व देते थे, ह्यूमनिटी को महत्व देते थे। दे रिवाइव्ड द नॉलेज ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, डिस्कवर्ड एंड डेसिमिनेटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट। इन्होंने ग्रीक भाषा में बहुत सारी जो स्क्रिप्ट थी उनको चेंज किया मैन्युस्क्रिप्ट को, एंड एडेड कंसिडरेबली टू द नंबर ऑफ रोमन ऑथर एंड वर्क विच हैड बीन नोन टू द मिडिल एजेस। फिर इसमें और भी लोग, दूसरे देश के लोग भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते गए और वे चीज चेंज होती गई। यहीं पर 1476 में और 1400 में जर्मनी में गुटेनबर्ग की जो आपका आप ये मान के चले कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, और यहाँ पर कैक्स्टॉन की प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में 1476 में आई, और इसके कारण तेजी से विकास होने लगा, पुस्तकें छपने लगी, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक अब पुस्तकें जाने लगी तो ज्ञान का और तेजी से फैलाव होने लगा। अब हम बात करते हैं कि इस जो रेनेसा है यहाँ से इटली पहुँचा, जर्मनी से कहाँ पहुँचा, इटली। इटली के बाद ये चेंज होता है, इटली से जर्मनी पहुँचता है, इटली से इसका प्रभाव कहाँ पहुँचा, जर्मनी, जर्मनी से फिर स्पेन जाता है, स्पेन से फ्रांस में जाता है, और फ्रांस के बाद द नीदरलैंड, और इस तरह लास्ट में ये इंग्लैंड पहुँचता है। तो एग्जैक्टली ये यहाँ से जो चलता है तो सब अलग अलग देश में इसे फैलता जाता है। तो इंग्लैंड में रेनेसा कहाँ से आया था, इटली से ही आया था, मतलब यहाँ से इटली एक सेंटर मान लो, जहाँ से सब जगह रेनेसा मतलब जो ग्रीक नॉलेज था वो फैलने का काम किया, तो सेंटर पॉइंट बन गया इटली, और इटली से ही इंग्लैंड में रेनेसा आया था, यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप जब थॉमस वायट या सूरी की जो सोनेट्स पढ़ेंगे तो वो भी डायरेक्टली इटली से प्रभावित हुए थे, तो बहुत सारा मटेरियल जो इटली से आया था और बहुत सारी चीज़ें जो इस देश की इन ग्रीक नॉलेज जो इटली वाले लोगों के साथ या ग्रीक जो लोग थे उनके साथ जो नॉलेज इन लोगों का भी जो मिला था, तो उन सारी चीज़ों का प्रभाव, क्योंकि लास्ट में रेनेसा इंग्लैंड में आया तो इन सबका प्रभाव इंग्लैंड के ऊपर पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश को दुनिया की मोस्ट करप्टेड लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें दुनिया की सारे देशों की वोकेबुलरी पाई जाती है। उसका कारण ये, क्योंकि इन सारे हर देश के वर्ड हर चीज को इसमें आते गए और ये मिक्स करती गई, ऐड करती गई और आगे बढ़ते गए। अब आगे बात करते हैं द इंपैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर। अब इस रेनेसा का प्रभाव क्यों पड़ा, क्या पड़ा, अब हमें इतना समझ में आया होगा कि द रेनेसा, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है ज्ञान का मतलब पुनर्जन्म। यहाँ हम बात करें तो ये पुनर्जन्म आर्ट और लिटरेचर का है। हुआ क्या, ये ग्रीक जो आइडियल लाइफ जी रहे थे, अपनी संस्कृति, बहुत अच्छे इंसान थे, इनके ऊपर असद एक जाति टर्क्स जो तुर्की के लोग, उन्होंने अटैक किया, ये लोग वहां से अपना सारा सामान लेकर जितने भी बुद्धिमान पोएट साहित्यिक व्यक्ति थे वो सब लोग भाग के इटली पहुंचे। इटली में से ये रेनेसा आगे बढ़ाए, बुद्धिमान लोग जो इटली के और बाकी जो यहाँ के ग्रीक के गए थे, इसके कारण एक अच्छा माहौल बना और वहाँ से जो फैले, जो ज्ञान का प्रकाश फैलता गया जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, और लास्ट में इंग्लैंड आता है। तो इंग्लैंड में जो रेनेसा आया था वो आया था इटली से। अब इसका लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हम आगे बढ़ते जाते हैं सीधा सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिएगा, डिग्निटी ऑफ मैन एज मैन, इसमें इंसान जो व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा महत्व दिया गया उसको आगे बढ़ाने के लिए। द स्पिरिट ऑफ द रेनेसा इज द फर्स्ट फेल्ट इन रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ मैन एज मैन। सबसे पहले व्यक्ति को ये महसूस करवा गया कि आप इंसान हैं, आप इन बाकी चीज़ों से अलग हैं और आप अपने तर्क, सोच, समझ, बुद्धि के आधार पर बहुत इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेनेसा कंसेप्ट मैन शुड बी अ कंप्लीटली राउंडेड और यूनिवर्सल मैन। एक मैन ऐसा नहीं होना चाहिए जो केवल सीमित रहे, एक इंसान है वो यूनिवर्सल मैन होना चाहिए, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए रहे, एक ऐसा व्यक्ति बने। ही शुड बी डेवलप्ड इन ऑल हिज फैकल्टीज एंड स्किल्स, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक। मतलब एक व्यक्ति है वो केवल एक ही क्षेत्र में डेवलप नहीं होना चाहिए लेकिन ऑलराउंडर होना चाहिए। ये ग्रीक लोगों की फिलोसॉफी थी कि वहां का व्यक्ति दिमाग से, शरीर से और सोल से, मतलब हम तीन हिस्सों के बने हुए इंसान, अपने आत्मा से मतलब अंदर की ओर से, दिमाग से, बुद्धि तर्क
लॉजिक यूनिट के माध्यम की ओर से और शरीर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो जो कंसेप्ट था रेनेसा का वो ये था कि एक जो इंसान है ही शुड बी डेवलप्ड इन ऑल हिज फैकल्टीज, उसके उसके सारी जो चीज़ें वो डेवलप करना चाहिए, एंड स्किल्स फिजिकल भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, आर्टिस्टिक भी होना चाहिए, ही शुड बी ट्रेन टू बी अ वॉरियर, वो एक योद्धा भी हो, एंड स्टेटमैन, एंड ऑल्सो टू बी कैपेबल एज एथलीट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, कन्वर्सेशनिस्ट एंड मैन ऑफ सोसाइटी। और यही कारण है आपने देखा होगा जो पहले के राजा होते थे, जो कम से कम या पहले के जो लोग होते थे, छः छः सात सात विधाओं में वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। एक व्यक्ति छः छः सात सात तरह का काम करता था, एक ही व्यक्ति कभी कवि का काम भी कर रहा है, युद्ध योद्धा का काम भी कर रहा है, वो कविता लिखने का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ देखो तो आप देखें कि वो घर के निर्माण बने की कला में भी माहिर है, ज्योतिष शास्त्र में माहिर है। ऐसे जो लोग हुआ करते थे पुराने जमाने के, जो राजा हुआ करते थे, राजा भोज के बारे में बोलते हैं 8 से 9 तरह की कलाएं उनको याद थी, विक्रमादित्य को थी, अकबर के पास थी, तो ये लोगों के पास इतनी सारी जो कलाएं थी उसका कारण ही था कि ये ऑलराउंडर हुआ करते थे, केवल एक सिंगल चीज पे फोकस नहीं करते थे। He should be chivalrous in his attitude for women, महिलाओं का भी सम्मान करने वाले होते थे। और ये फिर इसका कुछ उदाहरण दिए इन्होंने, सर फिलिप सिडनी वॉज एन एम्बोडीमेंट ऑफ सच एन आइडियल मैन इन इंग्लैंड। फिलिप सिडनी ऐसे ही थे जो एक अच्छे लेखक के साथ साथ एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। सर वॉल्टर रेले टू हुम स्पेंसर डेडिकेटेड इज फेरी क्वीन, फेरी क्वीन किसको डेडिकेटेड की गई थी, फेरी क्वीन डेडिकेटेड की गई थी F-A-E-R-I-E, फेरी क्वीन डेडिकेटेड की गई थी वॉल्टर रेले को। और किसने, किसके द्वारा की गई थी, स्पेंसर, स्पेंसर ने फेरी क्वीन, जो स्पेंसर है ये लेखक है फेरी क्वीन के, और ये डेडिकेटेड की गई थी वॉल्टर रेले को। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाज अनदर सच आइडियल मैन सो इन लेटर डेडिकेटेड टू हिम स्पेंसर प्रपोज्ड टू अ फैशन अ जेंटलमैन अ नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ मैन एज मैन। शेक्सपियर राइट्स इन हेमलेट व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, शेक्सपियर ने हेमलेट में लिखा था व्हाट अ पीस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, what a piece of work is man। इसमें एक्चुअली जब हेमलेट स्थिति में रहता तो सबसे पहले तो वो दुखद स्थिति में, सबसे पहले तो बड़ा जॉयफुल स्थिति में स्टार्ट करता है उसकी बात को बोलना कि इंसान क्या दमदार इंसान है, इंसान क्या व्यक्ति है, व्हाट अ पीस, किस तरह का क्या एक बनावट है ईश्वर की, इज अ मैन, इंसान एक ऐसी बनावट है कि देखिए उसके थॉट क्या थे, व्हाट अ पीस ऑफ मैन, What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god। इंसान इतना शक्तिशाली जिसको ईश्वर ने कितना दमदार बनाया है, उसके पास सोचने की क्षमता है, करने की क्षमता है, उसको हर उसको बुद्धि दे दी है, इतना दमदार है जिसके पास बहुत सारी ईश्वर ने बनाई है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागन ऑफ एनिमल्स, दिस वॉज द आइडियल ऑफ द रेनेसा मैन, ऑफन पोर्ट्रेड इन एलिजाबेथन लिटरेचर। इसमें व्हाट अ पीस इज मैन, वो ये कहता है कि भाई किस इंसान में क्या क्या खूबियां दी है, और इसके बाद धीरे धीरे वो नेगेटिव होने लगता है और वो अपसेट होने लगता है, कौन, हेमलेट। तो यहाँ इंसान उस समय रेनेसा में व्यक्ति इतना उत्साहित था कि अपनी सारी क्वालिटीज को डेवलप करते तेजी से आगे बढ़ा, और यही कारण रहा कि इंग्लैंड इतना दमदार राष्ट्र बना जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। तो यहां ब्यूटी एंड लव दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा चले हैं, ब्यूटी एंड लव। आप यदि अधिकांश शेक्सपियर वगैरह के वर्क देखेंगे या किसी भी ऑथर के वर्क देखेंगे तो इसमें दो चीज जरूर रहेगी, ब्यूटी एंड लव, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। ब्यूटी एंड लव वर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द रेनेसा, द कंसेप्ट ऑफ सुपर फेमिनाइन ब्यूटी एंड प्लेटोनिक लव वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक पोएट्री, द प्रिंसेस ऑफ ट्रॉय, द प्रिंसेस ऑफ ट्रॉय हेलेन, ये बहुत सुंदर थी, बिकेम एन एम्बेलम
of beauty and her love for Paris became an example of platonic love. Much of Elizabethan lyrical poetry and practically all the comedies and romances of Shakespeare revolved around the theme of love and beauty. अधिकांश जो शेक्सपियर के वर्क है वो ब्यूटी और लव की थीम के आसपास ही घूमते रहते हैं. इन मार्लोस डॉक्टर फास्टस, जो डॉक्टर फास्टस का मार्लो था, सॉरी मार्लो का जो डॉक्टर फास्टस था, डॉक्टर फास्टस लिखा गया था बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और उसमें उन्होंने बोला था हेलेन के बारे में क्या लिखा था, द स्पिरिट ऑफ हेलेन इज इन्वोक्ड एंड एडोर्ड दस. और उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था हेलेन के बारे में, वॉच दिस फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स, वॉच दिस फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स एंड बर्नड द टॉपलेस टॉवर्स ऑफ इलियम, स्वीट हेलेन मेक मी इमोर्टल विथ अ किस. तो एक्चुअली जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके ये लाइनें भी बहुत फेमस है. ओके, ये लाइनें थी, वॉच दिस फेस, बहुत फेमस लाइन है, दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स अ थाउजेंड शिप्स. फिर बोलता है एंड बर्नड द टॉपलेस ऑफ इलियम, स्वीट हेलेन स्वीट हेलेन मेक मी इमोर्टल विथ अ किस. तो इस तरह से वो हेलेन को की कल्पना करता है, उसको इन्वोक करता है, उसकी विनती करता है, और ये उसके लिए चाहत रखता है कि उसको एक किस करके इमोर्टल कर दे. तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसकी बात करते हैं. दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, पहला तो रेनेसा की जो थीम रहेगी वो थी लव एंड ब्यूटी. जो दूसरी थीम इसमें रहेगी, जो आप देखोगे रेनेसा पीरियड के लिटरेचर में अधिकांशता, वो है एडवेंचर, साहसिक कार्य, एडवेंचर एंड डिस्कवरी. यही तो कारण था कि इतना तेजी से ये बढ़ा. ये लोग बड़े साहसी थे और इन्होंने नई नई चीज़ों की खोज करते रहे. वास्को डिगामा आया, कोलंबस आया, अलग अलग जगह पर ये लोगों ने खोज करते गए. आप नए नए देश खोजे, इन्होंने नई नई चीज़ों को खोजा और इसीलिए इतना तेजी से इनका डेवलपमेंट हुआ. यानी कि जो व्यक्ति इन्वेंशन करेगा, जो व्यक्ति डिस्कवरी करेगा, वही राष्ट्र सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा. जिस देश में जो देश डिस्कवरी और इन्वेंशन में बिलीव करता है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता. एडवेंचर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, इन्होंने नई नई जगहें खोजी थी. और आप जान सकते हैं कि स्पेशली हम यदि बात करें, दिस स्पिरिट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया. दिस स्पिरिट हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर टू. प्लेटोज रिपब्लिक इंस्पायर्ड सिडनी टू राइट हिज आर्केडिया. प्लेटो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिनके बारे में बता दूं कि कौन किन से इंस्पायर हुआ था. देखिएगा, जो प्लेटो है, प्लेटो की रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. और उससे सिडनी का कौन सा वर्क प्रभावित, सॉरी कितना, कौन सा वर्क बेस्ड था, आर्केडिया लीली, हाँ, इंस्पायर्ड सिडनी टू राइट हिज आर्केडिया. लीली का यूफीज है ना, और बेकन, बेकन का जो बेकन्स न्यू एटलांटिस जो था, एटलांटिस बेकन का जो न्यू एटलांटिस था, वो भी आप ये मान के चले इंस्पायर हुआ था.
और इसके बाद शेक्सपियर के जितने भी जो प्ले हैं ये सारी चीज इंस्पायर हुए थे बाहर के दूसरे ऑथर से, वो चाहे ग्रीक के हो, चाहे फ्रेंच के हो, चाहे आपके इटली के हो, उन लोगों से प्रभावित होकर इन लोगों ने अपने वर्क को लिखा था। इनका वर्क किसी ने किसी से इन्होंने सोर्स लिया था, किसी ने किसी की थीम या किसी ने किसी के प्ले के ऊपर निर्भर थे ये सारे के सारे। तो अपने को ये ध्यान रखना कि इन लोगों ने अलग अलग जगह से वर्क को समझा और उससे सीखा और इसके बाद इसको एक नए रूप में मॉडिफाई करने का काम किया। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी फॉर्म्स, इन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेरी फॉर्म्स को रिवाइज किया। जैसे कि हम कुछ बातें करते हैं, ओके, मिल्टन इन द पैराडाइज लॉस्ट एंड द स्पेंसर इन द फेरी क्वीन फॉलोड द पैटर्न ऑफ होमर्स इलियाड। होमर जो थे, होमर का जो इलियाड था उसी में, उसी के पैटर्न को फॉलो किया है किसने, मिल्टन ने और स्पेंसर ने। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में और स्पेंसर ने फेरी क्वीन में होमर के इलियाड को फॉलो किया है। होमर रोम के थे। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, मिल्टन सोनेट आर कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट्स बिकॉज मिल्टन इन हिज सोनेट्स एडॉप्टेड द पैटर्न ऑफ द 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेट्रार्क। ये उसकी जो सोनेट्स थी मिल्टन की, वो पेट्रार्क की सोनेट्स के ऊपर बेस्ड थी। हम यदि पिंडरिक ओट्स की बात करें ग्रे की, तो वो भी पिंडरिक के, पिंडर्स की ओट के ऊपर निर्भर थी जो ग्रीक के थे। और इस तरह थ्योरी ऑफ द इमिटेशन, ये एरिस्टोटल प्लेटो की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कि हर चीज नकल है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। और यहाँ पर था एरिस्टोटल की थी, ये एरिस्टोटल का था, ट्रेजेडी की थ्योरी दी थी उसने, और एक थी ऑफ द एपिक, खासतौर से इनकी ट्रेजेडी की बहुत फेमस है, बहुत अपन पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया भी इसके पहले क्रिटिसिज्म वगैरह में इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मतलब है कि दुनिया में जो चीज़ है वो ओरिजिनल की नकल की नकल है, मतलब तीन टाइम आपको नकल दिख रहा है। जैसे ये दुनिया जो देख रहे हैं, या आप ये मान के चले आपके घर में कुर्सी बनी, तो सबसे पहले एक आइडियाज़ के रूप में बनती है, आइडियाज़ के बाद में उस कुर्सी को कोई व्यक्ति कारपेंटर उसको रियल रूप में बना देता है, और इसका जो तीसरा रूप होगा, पहले रूप में जो कुर्सी बनती है वो किसी कल्पना में बनती है, इसके बाद दूसरे नंबर पे वो कुर्सी कोई रियल रूप में बना देता है, और कवि या लेखक क्या करता है, उस कुर्सी की कल्पना करके उसके ऊपर एक कविता लिख देता है। तो यहाँ प्लेटो ने कहा था कि जो कवि रहते हैं वो किसी चीज़ को रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं, इसीलिए इनको जो रिपब्लिक देश जहाँ प्रजातंत्र का राज्य है वहाँ से इनको देश निकाला कर देना चाहिए। इसलिए उसने बोला था कि एग्जाइल करना चाहिए हमें किनको, कवियों को, क्योंकि ये झूठी जानकारी लोगों को देते हैं, और उसका कारण इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहा था। और एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी है, दुखद घटनाओं के ऊपर निर्भर रहती है जो कहानी, वो उन्होंने ट्रेजेडी के अलग अलग कंसेप्ट बताए हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट है इन्हीं से इन लोगों ने कंसेप्ट को लिया और इसके आधार पर इन्होंने वर्क लिखे, जिसके कारण इंग्लैंड का साहित्य आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, और वो इतना एक पावरफुल कंट्री साहित्य के क्षेत्र में भी है। तो प्लेटो लेट डाउन द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, एरिस्टोटल द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड ऑफ द एपिक, लॉन्जाइनस प्रिस्क्राइब्ड द फाइव प्रिंसिपल ऑफ सबलिमिटी, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले इसलिए फास्ट ले रहा हूँ, इन लिटरेचर एंड एस्किलस, यूरिपाइड्स एंड सोपोक्लस लेट डाउन द मॉडल्स ऑफ ट्रेजेडी फॉर शेक्सपियर, बेन जॉनसन से कंसेप्ट ऑफ ह्यूमर्स ऑल्सो केम फ्रॉम द क्लासिकल सोर्स। मतलब जितना भी आप इंग्लैंड के लोगों को देख रहे हैं, इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ग्रीक मॉडल को फॉलो किया है, रोमन को फॉलो किया है, और उसके आधार पर इन्होंने, ये लोग इतने चतुर थे, जिस तरह चाइना भी यही कर रहा है कि वो किसी भी मॉडल को देखता है और तुरंत उसकी नकल या उसके जैसा या उससे भी बेहतर मटेरियल बना के दे देता है। लर्निंग बहुत फास्ट थी इन लोगों की। तो कहने का मतलब ये है, द एज ऑफ रिवाइवल, इसका मतलब यही है कि इन्होंने जो कंसेप्ट था, जो ग्रीक लोगों का जो नॉलेज था, उसको, उस पर यकीन किया और उसको पुनर्जागृत किया, जिसे हम रेनेसा कहते हैं। आज थोड़ा सा मैं भी बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, इसलिए हम बाकी रेनेसा के बारे में और डिटेल स्टडी के साथ कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।